साकिब, कब है हमेशा सोया जाता है, कपड़ा नहीं धोना है? तो हमसे कपड़ा धोवाएगा अपना? हाँ, कौन धोएगा? जा भाई, बाइक का चाबी निकाल करके ला। तो आज हम चलाएंगे बाइक। नहीं, मेन रोड से नहीं भाई, इधर घुमा। मेन रोड? नहीं 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 नहीं, हम रिस्क नहीं लेंगे। सबसे पहला काम क्लच दबा। अबे अबे बच्चा है भाई। तो भाई, ईद या तो मंडे को हो जाएगा या फिर ट्यूसडे को, तो अभी तो फिक्स नहीं रहता है, एक दिन पहले पता नहीं होता है, चांद निकलने के बाद पता चलेगा। तो अभी जो है प्रिपरेशन हम लोग के स्टार्ट हो गई है, होने ही वाली है। अभी हम लोग रोज़ा भी हैं, उठे हैं, और आज सैटरडे है, और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। काफ़ी गंदा हो गया घर, और कई दिन से हम लोग ने इसलिए नहीं साफ़ किया था कि ईद पे एक बार में साफ़ करेंगे। सबसे पहला जो आप चेंज देख रहे हैं हमारे घर में, ये वाला जो हमारा ऑफिस टेबल है, पहले वहाँ हुआ करता था। हाँ, यहाँ था पहले। तो अब इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया बिकॉज ऑफ दिस फैन। और गर्मी आजकल बहुत ज्यादा पड़ रही है, बैंगलोर के अंदर 35-36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है, तो वहाँ पे हवा नहीं पहुँच पा रहा था, तो हमने यहाँ शिफ्ट किया। अब आ जाओ, दिखाते हैं हम आपको फ्रिज। पहले आपने हमारा फ्रिज देखा होगा पिछले व्लॉग में, तो उसमें कितना कुछ था, लेकिन अगर अभी देखोगे आप तो आपको सिर्फ फ्रूट्स नजर आएंगे। ये देखो, और कुछ भी नहीं है। नीचे देखो, उसके नीचे देखो, उसके नीचे भी फ्रूट्स ही है। अच्छा, कद्दू है इसके अंदर, जो कि रखा हुआ है, आज तक हम लोग बनाए नहीं है। और इधर थोड़ा कोल्ड ड्रिंक है और जूस है। तो ये हो गया। देखो भाई, इसमें बेड वगैरह भी, अभी तक हम लोग का जो बेडशीट जो गंदा हुआ था, तो उसको चेंज नहीं किया, बोले कि ईद से एक दिन पहले ही चेंज करेंगे, तो वैसे ही सो रहे थे हम। और ये वाला भी है, ये सब चेंज करना है, और काफी काम है यार, ये सब गंदा है फर्श भी। आज से कल तक मैं पूरा एकदम रेडी कर देंगे, एकदम चमका देना है घर को, शाही महल बनाएंगे। चलो अभी हम लोग बाल कटाने जा रहे हैं। 10 बजे ईद की नमाज होगी बिलाल मस्जिद में, बाकी का हमको नहीं पता है, हम वहीं जाएंगे पढ़ने के लिए। पूरे कर्नाटक की सबसे फेमस और बहुत ही पॉपुलर मस्जिद है बिलाल मस्जिद, उसको सबसे महंगी मस्जिद भी बोलते हैं। हम लोग अपने मोहल्ले में जा रहे हैं बाल कटवाने के लिए। मेरा तो भाई इधर देखो बाल बन करके रेडी है, शकील का यहाँ बन रहा है। भाई थोड़ा पीछे से और थोड़ा छोटा नहीं करेगा क्या? बहुत आराम आराम से बना रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया बना रहा है। 120 रुपया बाल बनाने का, और दाढ़ी बनाने का 80 रुपया। तो भाई हेयर कटिंग तो हो गई है, और अब बचा है कपड़ा धोना। साकिब, कब है हमेशा सोया जाता है, कपड़ा नहीं धोना है? अरे यार, तुम जा रहा भाई, नहीं धो सकता है। कहाँ से, उठ जल्दी उठ, इससे आज हम कपड़ा धुलवाएंगे। तब ये हो गया, तुम हाँ। नहीं जा सकता है भाई, सोया जाता है, इससे आज कपड़ा धुलवाना है। चल जल्दी जल्दी उठ जा, उठ जा भाई, बहुत काम किए हैं, और एक तो बाल कटाने में बहुत थक गए हैं। अच्छा, लेकिन सही में बहुत टाइम लग गया बाल कटाने में। ये देखो, ये हमारा कपड़ा निकला है, बहुत सारा। हम यहीं पे ये दरवाजे के पीछे रख देते हैं, दिखता भी नहीं है, और स्टोरेज भी हो जाता है। ये साकिब का और मेरा कपड़ा साथ में है। तो हमसे कपड़ा धोवाएगा अपना? हाँ, कौन धोएगा? नौकरानी बना के छोड़ दिया है। हाँ, तुम है नौकरानी। चल दो जल्दी जल्दी रख। 3 दिन पहले हमने वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाला था, वो अभी तक वॉशिंग मशीन में ही है, महक किया है। और ये देखो भाई, हमारी बाइक लगी हुई है नीचे। जा भाई, बाइक का चाबी निकाल करके ला। तो आज हम चलाएंगे बाइक। लेकर के आ, तो बाइक की चाबी अंदर ही छूट गई है, तो चला लेगा ना बाइक? बोले तो आज हम चलाएंगे बाइक। गिराएगा नहीं ना? अरे चलो ना यार, बेटा ईद खराब मत कर देना, बता दे रहे हैं। चल भाई, देखते हैं, इस बार रिस्क ले लेते, थोड़ा अगर सीख जाएगा ना, फिर हमको बहुत आराम हो जाएगा। ये देखो, चल भाई एक बार थोड़ा सा ट्राई कर, तो तुम देखते हैं कैसे चला रहे हैं। नहीं, पहले थोड़ा दूर चला, उसके बाद हम बैठेंगे। अबे क्लच दबा के, स्कूटर नहीं है। हाँ, घुमा घुमा घुमा, हल्का हल्का। ओ शकील, बाइक चला लिया। चल भाई, अब बैठ करके चले गए तुम्हारे साथ, पहले गेट लगा लेते हैं। अरे यार, तू तो भयानक बाइक चलाता है बे। सही में तो बहुत खतरनाक बाइक चला रहा है। अब हम समझ गए, अब तुम अब बाइक चला सकता है। चल इधर से, इधर से, इधर से। अरे साला, कैसा सड़ा सा ब्रेक ब्रेक है तेरा।
अबे तो क्लच दबा करके थोड़ा सा गियर वर चेंज किया जाता है, तो बेटा वैसे ही स्कूटर समझ के चेंज कर रहे हो वैसे थोड़ी चलेगा। थोड़ा भी रुकना हो ना तुरंत सबसे पहला काम क्लच दबा। अबे अबे बच्चा है भाई, आराम से भाई आराम से, देख क्लच दबा पूरा। हाँ अब स्मूथली चल रहा है, ऐसे ही चलाते रहा। देखो भाई शकील बाइक चलाना सीख गया, हमको तो मज़ा आ रहा है। हाँ ऐसे क्लच दबा दबा करके चलाएगा। हाँ आगे वाले से जाना है ना? आगे वाले से जाना है, जहाँ रुकना हो। अबे फिर क्लच दबा भाई कर कर शकील जो है ना ज़्यादा फ्री हो गया है पीछे। हाँ चल चल अब चल धीरे धीरे चल। हाँ देख जहाँ भी ये ब्रेकर आएगा ना तो वहाँ पे सबसे पहला काम क्लच दबाने का पूरा। अबे अबे हल्का अगर ठोक दिया ना भाई पूरा खर्चा ले ले जितने का तुरा बाइक नहीं उससे ज़्यादा का बेटा खर्चा निकल जाएगा। दूसरे सबकी गाड़ी महंगी महंगी है पता कहाँ चलेगा इतना सारा कैमरा है ना कहाँ तक भागेगा तुम। सीसीटीवी कैमरा देख रहे हो इधर। तो फाइनली आज पहली बार बाइक चला लिया है शकील। कैसा लगा शकील तुमको बाइक चला के? बहुत मज़ा आया हमको, हमको ऐसा लगा कि हम हवाई जहाज पे बैठे। अब से शकील भी नज़र आएगा बाइक चलाते हुए और बहुत सारे लोगों को पीजी दिलाते हुए। टेंशन मत लो तो यार अभी हम लोगों को 5वें फ्लोर पे जाना है चढ़ करके, सीढ़ी चढ़ चढ़ के थक जाएंगे भाई जाते जाते। ओह ये मेरे फ्रेंड का रूम है। अब देखो ये वॉशिंग मशीन जिसमें हम कपड़ा धोएंगे, और ये कपड़ा 3-4 दिन पहले हम वॉशिंग मशीन में डाल के गए थे जो कि महक गया है, इसको हम लेने नहीं आए वापस दोबारा, तो इसको फिर से इसमें डालेंगे और कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा डालेंगे और धोएंगे और फिर एक बार और कपड़ा डाल के धोएंगे। इसकी वजह से काफ़ी आसान हो जाता है हमें कपड़ा धोना। इस टाइप का वॉशिंग मशीन अगर ख़रीदोगे भाई तो 10-12 हज़ार में आ जाता है और बहुत अच्छा रहता है, बहुत इजी हो जाता है। यार जल्दी जल्दी डालना भाई, कितना टाइम लगा रहा है तू। अबे सबको सही, अबे मेरा कपड़ा सब है यार गंदा मत कर भाई। अबे धोने के लिए डाल रहे हैं उससे क्या हो गया, फिर भी तुम जमीन में गिरा रहा है बताओ। इससे गंदा कपड़ा दुनिया में कहीं नहीं होगा, इससे साफ तो मेरा चप्पल होता है। और भी कपड़ा डालना है क्या? वो अपना जो लेके है उसमें जो डाल, हाँ उसमें से थोड़ा डाल दे, फिर नेक्स्ट टाइम सेकंड ट्रिप में वो वाला पूरा डला जाएगा। ये देखो आ गया हमारा। देखो एक बात बताते हैं, ये है 6 kg का फ्रिज, 6 kg का, और इसमें हम कपड़े डालते हैं 10-12 कपड़े जब तक ये भर नहीं जाता है, और काफ़ी अच्छा साफ धुलता है मतलब एकदम मज़ा आ जाता है। और मैं घर पर लिया हूँ 9 kg का वॉशिंग मशीन है, उसमें वो बता के गया है कि 10 कपड़े से ज़्यादा मत डालिएगा। अरे वो लोग वैसे ही बोल के जाता है, तुम 20 भी डाल सकते हैं। हाँ उसमें 20 आराम से जाएगा, उसका ड्रम इसका डबल होगा। हो गया भाई इतना रहने दे, इतना सेकंड टाइम में डाल देंगे, एक जाएगा। अबे नहीं भाई उतना ठीक है, थोड़ा सा सर्फ डाल दे उसमें और चलो फिर 1-1.5 घंटे के बाद आकर के सेकंड ट्रिप वाला हम लोग डाल देंगे। हम लोग का सब पूरा खत्म कर दिया है तो हमको लगता है बहुत लोग आके यहाँ धोता है। हाँ तो इस बार मंगवाएंगे इरफान वे से। 1 kg का सल्फ ला के रखे थे नया नया, दो बार धोए हैं, बहुत नाइंसाफी है। ये देखो ये हमारा सल्फ का पैकेट है 1 kg का, 2 kg का, 1 kg नहीं 2 kg का है। हाँ। दो बार कपड़ा धोया हमने बस, पूरा खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। मतलब बहुत लोग आकर के धो धो करके जाते हैं ना। अब से जो है ना अपना सर्फ लेकर के आएंगे तो अंदर कबर्ड में डाल करके बंद करके रखेंगे। सही बोल रहे हैं। कपड़े तो हमने डाल दिया है, अब जब तक ये धुलेगा हम लोग जाते हैं कुछ इफ्तार वगैरह करेंगे, टाइम हो गया इफ्तार का और भूख भी बड़ी तेज़ लग रही है, और आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा तेज़ है भाई। बेंगलोर के अंदर इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, अब थोड़ा धीरे धीरे यहाँ भी गर्मी ज़्यादा होने लगी है, और हमारे साइड में तो पूछो ही मत, वहाँ पे और भी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो भाई एक बार तो शकील बाइक चला करके लाया और थोड़ा थोड़ा हुचका हुचका करके चला रहा था शकील, अब देखते हैं फिर तो दोबारा ये जा रहा ट्राई करने के लिए।
देखते कैसा चलाता है इस बार। चल भाई हो जा शुरू। नहीं मेन रोड से नहीं भाई, इधर घुमा। नहीं 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 नहीं, हम रिस्क नहीं लेंगे। अब उधर थाना भी है, कहीं पकड़ लिए पुलिस तब। पहले गली में ही चला, पीछे की साइड से न्यूट्रल, पीछे माइनस होता है आगे प्लस होता है। इसको थोड़ा अभी क्लच पे जो है ना कंट्रोल नहीं हो पा रहा ढंग से। क्लच पूरा दबाया करना भाई, तुम आधा एकदम थोड़ा। नहीं बाइक खराब। बाइक खराब कैसे? इसे पूरा दबाना पड़ता है। हाँ पूरा तो दबाना ही पड़ता है। तो भाई शकील जो है बाइक चला करके तो पहुंच गया है। अबे रोक भाई वहाँ पहुंचा दिया तुमने। चलो भाई थोड़ा थोड़ा सीख गया है और दो चार दिन टाइम लगेगा। तो भाई कपड़ा उपड़ा तो डाल करके हम लोग आ गए हैं, और थोड़ा बहुत जो इफ्तार बचा हुआ है हमारा कल का और खाने पीने का, देखेंगे कुछ और भी अगर प्रिपेयर करना होगा तो कर लेंगे अभी, और इफ्तार की तैयारी करते हैं। उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं इफ्तार के बाद, क्योंकि थोड़ी डिहाइड्रेशन हो रही है और इफ्तार का टाइम नज़दीक आ गया है। गर्मी की वजह से क्या हो रहा है आजकल, थोड़ा सा हम लोगों को रोज़ा लगने लगा है, पहले नहीं लगता था। तो गाइस काम तो ख़त्म हो गया है पूरा आज का, अब ये बचा हुआ है थोड़ा सा इसको रूम वूम क्लीन करने का काम, तो ये कल करेंगे। रात भी हो गया, कपड़े वगैरह धुल गए हैं और हमें भूख लगी है रात के 11 बज रहे करीब। और देखो ये हमारा खाना है, ये क्या है, मैगी और हाफ फ्राई ऑमलेट। तो अब ये मैगी और हाफ फ्राई ऑमलेट खाते हैं और व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया होगा भाई तो ज़रूर से लाइक करना, क्या पता यार पसंद भी आया है कि नहीं आया है, बोर मारा है। फिर भी अगर देख लियो यहाँ तक तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करो, बिकॉज बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम डालते हैं, और स्पेशली बैंगलोर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड हम वीडियोस डालते हैं। आपको आने वाले टाइम में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है इस व्लॉग के थ्रू, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।